अभियान चार शुरुआत किया गया है। इस अभियान से जो शुरुआत की गई है वो प्रथम चरण के अंदर हमारे द्वारा जो जिला स्तर के जो ब्लॉक स्तर के जो कार्मिक हैं उनके द्वारा जो महिलाओं के वर्क प्लेस सेक्सुअल हेरेसमेंट का जो एक्ट है 2013 का उसकी पालना सुनिश्चित करवाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में निर्देश पारित किए हैं कि प्रत्येक कार्य स्थल के ऊपर इस प्रकार की कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी पालना में ये नवाचार के रूप में सक्षम जयपुर अभियान की शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं सबसे पहले उनको यहाँ पे एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तत्पश्चात सेकंड चरण जो होगा वो ब्लॉक लेवल पे इनके द्वारा जो भी वहाँ पे राजकीय कार्यालय हैं उनके जो मेंबर्स होंगे जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको इस संबंध में प्रशिक्षित करवा के और वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति का गठन करवाना एक इसका मेन उद्देश्य है। जहाँ पे कोई भी उनका किसी प्रकार का उत्पन्न होता है तो वो जाकर के उस समिति को अपना लिखित में या मौखिक जिस प्रकार से उनको सरल लगे वो इस संबंध में अपना जो शिकायत है वो पेश कर सकती है। तत्पश्चात तीसरे चरण के अंदर जब ये कमेटियों का जो 100% गठन हो जाएगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी का एक्ट के अकॉर्डिंग राजकीय कार्यालयों में, तत्पश्चात जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं चाहे वो स्कूल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे कॉलेज हो चाहे शोरूम हो चाहे हॉस्पिटल हो सभी में ये समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। चाहे वो जिम भी हो जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। यदि ये नहीं किया जाता है तो ये एक्ट की अवहेलना में आता है और इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो ये आज प्रथम चरण के शुरुआत के रूप में यहाँ पे हम प्रशिक्षण देंगे। टेस्ट किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? मैम इस ट्रेनिंग के लिए हमने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो न्यू दिल्ली है राष्ट्रीय आयोग महिला आयोग उनके से वहाँ से हमने दो प्रशिक्षण जो मेंटर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। वो सबसे पहले तो एक्ट की भूमिका और एक्ट के बारे में बताएंगे, तत्पश्चात एक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार की समिति के मेंबर्स होंगे, उस कमिटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स की वो होंगी, कितनी महिलाएं होंगी और कौन स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि होगा, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी।